वेलकम टू एनसीईआरटी जॉन। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के 6th चैप्टर चेंजेस अराउंड अर्थ को पढ़ेंगे। तो आज हम इसके पहले टॉपिक कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सारे तरह के चेंजेस को जो बदलाव होते हैं उसे हमेशा फिर से ओरिजिनल ओरिजिनल स्ट्रक्चर ओरिजिनल पोजिशन में लाया जा सकता है, इसे पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट अपन विद वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। तब क्या होगा जब आपको एक मैजिकल पावर मिल जाए कि आपके अराउंड आपके चारों तरफ जो जो चीज़ है उसे आप चेंज कर सको। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज, आप क्या क्या चेंज करना पसंद करोगे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर, ऑफ कोर्स हमारे पास मैजिकल पावर नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स। हमारे पास मैजिकल पावर नहीं है तब पर भी हम काफ़ी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को हम बदल सकते हैं। मेनी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑन देयर ओन, कितना चेंजेज जो होता है आपके चारों तरफ वो खुद से होता है। इन द फील्ड क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री, चेंजेज कलर एंड ड्राई आउट। आपके कभी कभी जब क्रॉप कब में चेंजेज होते हैं, क्रॉप छोटे रहते हैं फिर से ग्रो कर जाते हैं, पेड़ से पत्ते टूट के गिर जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन से लेकर के फिर से पीला हो जाता है। द फ्लावर ब्लोन एंड देन वेदर वे, आर द चेंज हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या कुछ चेंजेज आपकी बॉडी में भी होती है। तो हाँ, योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रो, योर ग्रो यू ग्रो एंड टॉलर, योर वेट इंक्रीजेज अस यू ग्रो, आपका लेंथ ग्रो हो रहा है, आपके हेयर नेल्स ग्रो हो रहा है, आपके हेयर ग्रो हो रहा है, आपकी बॉडी का हाइट ग्रो कर रहा है, वेट ग्रो कर रहा है, वेट इंक्रीज कर रहा है। डिड यू रियलाइज एर्लियर दैट सो मैनी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, कि आपके चारों तरफ बहुत सारे चेंज हमेशा होते रहते हैं। कैन सम चेंजेज बी ग्रुप टूगेदर, क्या उन बदलावों को एक दूसरे के ग्रुप में रख सकते हैं। हाउ कैन बी ग्रुप वेरियस चेंजेस, इट माइट हेल्प इफ यू फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। उन प्रकार के चेंजेस को आप ग्रुप में तभी रख सकते हैं जब आपको उनके बीच की सिमिलैरिटी पता रहेगी कि उनके बीच में क्या क्या कॉमन है। तो पहला टॉपिक कैन ऑल चेंजेस अराउंड अस अराउंड ऑलवेज बी रिवर्स, क्या सारे तरह के चेंजेस को हमेशा फिर से ओरिजिनल पोजिशन में लाया जा सकता है। तो इसे पढ़ते हैं। टेक ए बैलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट ब्रस्ट, द शेप एंड साइज ऑफ बैलून हैव चेंजेज, नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द बैलून। क्या एक बोल रहा है कि एक बैलून लो उसमें हवा भरो, तो हवा भरने के बाद वो अपना साइज ग्रो करेगा, साइज बड़ा होता जाएगा, पर ध्यान रखेंगे कि जब तक बैलून ब्रस्ट ना करे, फूटे ना। तो उसके बाद उसके अगले स्टेप में फिर से उससे छोड़ेंगे तो उसका एयर जो रहेगा एस्केप कर जाएगा, उससे निकल जाएगा और फिर से बैलून उस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। सेकेंड में क्या करना है, टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट अस शोन इन फिगर 6.2, इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है। यू हैव चेंज सीट ऑफ पेपर इन टू टॉय एरोप्लेन, आपने पेपर के सीट को टॉय एरोप्लेन बना दिया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग द प्लेन, आपको ये प्लेन उड़ाने में बहुत अच्छा लगा। वंस यू टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, जब आप पेपर का के एरोप्लेन उड़ा उड़ा करके आपका मन भर गया तो उसके बाद आपने फिर से अनफोल्ड करके फिर से उसे पेज में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद है टेक सम डॉफ एंड मेक इट बॉल, ट्राई टू रोल आउट ए रोटी, हमने एक आटा लिया और उसे आटा को गूंथ लिया और उसके बाद फिर से उसके रोटी के शेप में उसे रोल कर दिया। मे बी यू
आर नॉट हैप्पी विद द शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इन टू बॉल रॉक अगेन। अगर आप इसके शेप आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर से आप इसको फिर से शेप करके फिर से इसे बॉल के शेप में डाल सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट द थ्री चेंजेज यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1-3। तो अब हम जो चेंजेज एक्टिविटी 1-3 में हमने देखा उसे ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, इन तीनों में कॉमन क्या है। व्हाट वाज इट पॉसिबल टू गेट बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो क्या ये पॉसिबल है कि बैलून जब एक बार फूल गया उसमें हवा भर दी तो उसके फिर से ओरिजिनल शेप में साइज शेप और साइज में ले आ सकते हैं। तो हाँ, उसके एयर जब एस्केप करेगा बाहर निकलेगा तो वो ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। उसके बाद वाज साइज ऑफ पेपर सेम बिफोर आफ्टर मेकिंग द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन बनाने के बाद ही पेपर का साइज सेम था। तो हाँ, वाज द पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डॉप अगेन। तो इस जो शेप में रोटी के शेप में जो आटे को गूंद लिए, आटे को जो शेप प्रोवाइड कर लिए, उसको इस आटे में फिर से कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो हाँ, तो इसका मतलब ये सारे जो चेंजेज हमने देखे एक्टिविटी 1-3 में वो हमारा रिवर्स्ड हो सकता था, वो हमारा फिर से उसके पुराने स्टेज में आ सकता था। अब एक्टिविटी 4 को देखते हैं। टेक ए स्मॉल बैलून विथ विच यू यूज इन एक्टिविटी 1। एक स्मॉल बैलून लेते जो एक्टिविटी 1 में यूज किया है। ब्लो इट ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ एंड स्ट्रिंग टूडे टाइटली। पिक इट विथ पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। ऑप्स इट ब्रस्ट। उसी बैलून को फिर से हम हवा भरेंगे उसमें, उसे पूरा टाइट करके एक रबर बैंड से उसके जहाँ से एयर एस्केप कर रहा होता है वहाँ पे एक रबर बैंड से या फिर धागे से बांध देंगे। उसके बाद एक पॉइंटेड पेंसिल उसमें ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटेड पेंसिल चुबाएंगे या फिर पेन। तो क्या होगा कि ये बैलून जो है ब्रस्ट कर जाएगा। उसके बाद दूसरा केस है जब एरोप्लेन हमने बना लिया, तो एरोप्लेन हमने फ्लाई कराने के बाद उड़ाने के बाद फिर से एरोप्लेन को बीच से कट कर दिया। रोटी में क्या करते हैं, हम रोटी को उसके आटे को अब उसके साइज में रोल कर लेते हैं, रोटी के साइज में। उसके बाद तवे पे रोटी को पकाते हैं। तो ये तीनों चेंजेस जो हमने देखा जो एक्टिविटी 4, 5 और 6 में था, तो या ये क्या फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं। तो ये रोटी क्या डॉप आटे बन सकते हैं, तो नहीं। और जब एक बार एरोप्लेन को काट दिए तो फिर से जो हमारा पेज फिर से अनफोल्ड करेंगे तो जो पेज होगा तो क्या इस पेज के ओरिजिनल साइज का होगा, तो नहीं। और उसके बाद जो बैलून है, बैलून जो एक बार ब्रश कर गया फूट गया तो वो अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये तीनों चेंजेज जो है वो तीनों चेंजेज हमारे रिवर्स नहीं हो पाते। तो इसका मतलब ये तीनों चेंज रिवर्सिबल नहीं है। तो हमने अभी तक सीखा कि कुछ चेंजेज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जिसे फिर से ओरिजिनल शेप में लाया जा सकता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लाया जा सकता है। और कुछ चीज जो होते हैं चेंजेज जो होते हैं वे रिवर्स होते हैं, उसे फिर से ओरिजिनल शेप में नहीं लाया जा सकता, उसे फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कैन ऑल चेंजेज ऑलवेज बी रिवर्स को पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग कुड 3 बी अदर वेज टू बींग अ चेंज को पढ़ेंगे। तो हमारे अगले वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले ताकि उन्हें भी सेल मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।